टॉपिक है यूरेनस के बारे में। आज हम आपको बताएंगे इस यूरेनस जो दिखाई दे रहा है, ये आपका जो है सोलर सिस्टम का जो सातवें नंबर का जो प्लेनेट है उसका नाम क्या है, आपका जो है यूरेनस है। आइए हम यूरेनस के कुछ बेसिक चीज के बारे में बता देते हैं। तो अगर हम लोग यूरेनस की बात करें तो अगर हम इसके जो है ऑर्बिट के बारे में बात करें तो इसका जो ऑर्बिट का जो एक्सिस है वह आपका जो है 97 डिग्री पर क्या है स्थित, यानी 97 डिग्री, यानी 90 डिग्री बिल्कुल ऐसे खड़ा रहता है और थोड़ा से झुका हुआ है, यानी सारे प्लेनेटरी आपका जो सर्कुलर में चलते हैं, लेकिन ये जो है रोल की तरह, जैसे कि मान के चलिए कि हमारे पास एक कोई पेन है, ठीक है ना, पेन, और ऐसे घूमता है, इस तरह से चक्कर लगाता है, क्योंकि इसका जो एंगल है ना 97 डिग्री पर क्या है स्थित है, ठीक है ना, जो दिखाई दे रहा है इस तरह से पूरा के पूरा क्या होता है घूमता है। अगर हम इसके इंसाइक्लोपीडिया की बात कर ले, इसके अंदर की जो बेसिक जानकारी उसके बारे में बात करें तो इसका जो इक्वेटोरियल डायमीटर है, डायमीटर की बात अगर समझें तो अगर मान के चलिए अगर हम इसको ऐसे नापेंगे, क्योंकि इसको ऐसे नहीं नाप सकते हैं, ऊपर से नीचे देखेंगे, क्योंकि इसका जो एंगल जो है ना 97 डिग्री पर क्या है स्थित है। तो ये अगर आपका जो है इसकी अगर हम लोग डायमीटर की बात कर लें तो इस प्लैनेट का जो डायमीटर है, ठीक है ना, क्या है डायमीटर, ऊपर से नीचे काटेंगे देखेंगे कि इसको ऐसे काट नहीं सकते, कि बिल्कुल क्या है एक तरह समझिए कि एक ऐसा प्लेनेट है जो अर्थ को चारों तरफ चक्कर तो लगाता है लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में बहुत सारी, और बाकी जो प्लेनेट होती है वह जो आपका जो है रोटेशन जो करता है वो आपका हॉरिजॉन्टली करता है, लेकिन ये ऐसा प्लैनेट है कि आपका वर्टिकली डायरेक्शन का करता है, चक्कर लगाता है, ठीक है। तो इसका जो इक्वेटोरियल डायमीटर है वो आपका 51118 किलोमीटर, यानी 51,118 किलोमीटर क्या है ये डायमीटर है इसका, और ये सोलर सिस्टम का थर्ड क्या है लार्जेस्ट क्या है प्लैनेट है, ओके। आगे अगर बात कर लेते हैं, अगर इसकी मास की बात कर ली जाए तो इसका मास जो है 8.7 × 10^25 केजी क्या है इसका मास, एक बार फिर से बता देते हैं, इसका मास जो है 8.7 × 10^25 केजी का क्या है ये मास है। अगर इसका सन से अगर डिस्टेंस देखा जाए तो इसका डिस्टेंस 19.2 AU, मतलब कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का इसका डिस्टेंस है, ठीक है ना। अगर हम इसकी सोलर ऑर्बिट पीरियड की बात कर ले, सर सोलर ऑर्बिट पीरियड क्या होता है, फिर वैसा ही पीरियड जैसे हम जानते हैं कि जो हमारा पृथ्वी है वह अपने एक इलिप्टिकल पाथ में घूमने पर 365 दिन 6 घंटे का समय लेता है, ठीक, इसका अगर सुनिएगा तो आपको हंसी जाएगा लेकिन है बहुत यूनिक, यानी एक आदमी पृथ्वी पर एवरेज लाइफ एक्सपेंस कितने साल का है 70 साल का, लेकिन ये अपने एक एक्सिस को घूमने में इसको 84 ईयर, यानी कि एक आदमी अगर पृथ्वी पर जन्म लेता है और मर जाता है 84 साल का समय जीता है, तो अगर ऐसे समझिए कि कोई आदमी पृथ्वी पर 84 साल जिएगा ना, जिंदा रहेगा, तब आपका जो है यूरेनस पर 1 साल के क्या होता है बराबर होता है, यानी कि 84 साल अगर हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं और 1 साल जो यूरेनस पर रहते हैं उसके क्या होता है ये बराबर होता है, इसका जो सोलर ऑर्बिट पीरियड जो होती है 84 ईयर के क्या होती है बराबर है। अगर हम इसकी सरफेस ग्रेविटी की बात कर ले तो 8.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या है इसका जो सरफेस ग्रेविटी, यानी अर्थ की ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और इसका क्या है 8.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या है इसका जो है ग्रेविटी है, ओके। और हम आपको बेसिक चीज और बता देते हैं कि यूरेनस जो है अभी बताया था कि सोलर सिस्टम का थर्ड क्या है लार्जेस्ट क्या है प्लेनेट में से एक है, और इस पूरे सोलर सिस्टम का सबसे क्या है ठंडा ग्रह है, क्योंकि ये बिल्कुल जो है वर्टिकल डायरेक्शन में क्या करता अर्थ का चक्कर लगाता है। अगर हम इसकी डिस्कवरी की बात कर ली जाए तो इसका खोज जो है एक इंग्लिश एस्ट्रोनॉमर्स थे, साइंटिस्ट थे, जिनका नाम था विलियम हर्शिल ने 1781 में, यानी 1781 में इस प्लैनेट का क्या किया था खोज किया था, ओके। अगर हम इसकी बात कर ले इंसाइक्लोपीडिया के अंदर जाके और सारे चीज के बारे में, तो अभी मैंने बताया था यूरेनस हैज एक्सिस 97.77, वही 97 डिग्री पर क्या है ये आपका क्या स्थित है, ओके। और हम इसके अंदर बात कर लेते, इसे हम नग्न आंखों से देख सकते हैं, लेकिन बिल्कुल जब रात का अंधेरा डार्क रहेगा तब ये क्या होता है हमें दिखाई देगा, ओके। आगे इसके अगर हम बात कर लेते हैं इसके एक्सिस के बारे में,
सॉरी स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये इसके एटमोस्फियर में गैस के रूप में हाइड्रोजन, हीलियम और क्या है, मीथेन है। मेंटल में इसके वाटर, अमोनिया और क्या है, मीथेन आइस, मतलब जो मीथेन गैस जो है ना वो आइस के फॉर्म में यानी जमा हुआ है। कोर की बात कर ले तो कोर में इसका जो सिलिकेट, आयरन, निकेल और क्या है, रॉक है। इसका स्ट्रक्चर आप दिखाई देख सकता है कि इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से है। ओके, अगर हम इसकी एटमॉस्फेरिक कंडीशन बता दें तो गैसेस एटमॉस्फेयर ग्रेजुअली ट्रांजिशंस इनटू द इंटरनल लिक्विड लेयर्स। और इसकी सबसे बड़ी बात क्या है, इसके मीथेन गैस होने की वजह से ये जो है थोड़ा क्या होता है, नीले रंग की क्या होती है, दिखाई देती है। ओके, दैट्स ऑल।